आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है और आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना होगा। तो वीडियो देख सकते हैं हमारा 1 सेकेंड तक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको सबसे पहले म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कलर फिल्टर का। कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ब्लू कलर के ऊपर एक कलर आ जाता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, कलर एडजस्टमेंट पे आएंगे और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कलर को एडजस्ट कर लेना है। बिल्कुल आपको ग्रीन कलर आपको दिखना चाहिए, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डन करना है तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको दो बार यहाँ से बैक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पर आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट में जो हमारा साउंड जो है आपका स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा साउंड जो है आप स्लो नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और इसे आपको सिर्फ इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको जूम कर सही से एडजस्ट आपको कर देना है। तो आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं आपको वीडियो को पे और इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है तो आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और जिस वीडियो को साउंड से आपको साउंड ऐड करना है तो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रेक्ट आइडियो कर देना है और वीडियो को आपको यहां से डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं यहां पे आइडियो यहां पे आ चुका है। इस तरह से भी आप साउंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को पहले हम डिलीट कर देते हैं, हमने साउंड को डिलीट कर दिया हूं। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। साउंड म्यूट करने के बाद मैं आपको वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो मेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहे तो इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो में जो साउंड को म्यूट किया होता हूँ, साउंड को मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, इसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।